नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ आज उपस्थित हूँ। झड़ते हुए बालों को रोकने का सबसे आसान सा तरीका, सबसे पहले तो ये जाना जाए कि बालों के झड़ने का मूल कारण क्या है। बालों के झड़ने का मूल कारण है आपके बाल जहाँ पर हैं, हेयर बल्ब जहाँ पर है वहाँ पर पोषण की कमी। हम बालों में ऊपर से शैम्पू लगा रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, सीरम लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन जहाँ अंदर से पोषक तत्व आपके बाल को पहुँचें वो व्यवस्था आपने नहीं कर रखी है। तो अगर बाल झड़ना चालू हुए हैं, बाल दो मुहे हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको अपने बालों पर ऊपर से ध्यान रखने की बजाय शरीर के अंदर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहा जाता है नहाएं धोएं क्या हुआ, जो अंदर मैल समाए। अगर आप खूब नहा रहे हैं, रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, अगर आपके शरीर में अंदर मैल भरा हुआ है, अंदर मैल का मतलब है आंतों में मल जमा हुआ है, खून में गंदगी है, तो फिर निश्चित तौर पर आपका बाल को रगड़ रगड़ के बेशक बहुत अच्छे से अच्छे शैम्पू का यूज़ करके आप बाल धो रहे हैं, अच्छे से अच्छे साबुन का यूज़ करके आप त्वचा को साफ कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर की सफाई तो केवल क्षणिक है। शरीर में अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई है फिर त्वचा पर आएंगी, फिर से त्वचा खराब हो जाएगी, तो बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए आपको पूरी समस्या का निदान करने के लिए अंदर से पूरी जो व्यवस्था है उसको सुधारने की ज़रूरत है। अब अंदर से व्यवस्था सुधारने के लिए एक दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना चालू कर दिया जाए। 5 लीटर पानी पियेंगे, 5 लीटर में 1 लीटर पानी तो हम सवेरे जागते ही पी लें। जैसे ही सवेरे जागते 1 लीटर पानी पियोगे पूरा पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद 4 लीटर पानी जो है ये एक बार में 300-350 ml पानी, दिन भर में लगभग 13-14 ग्लास पानी और पी लिया जाए, तो ये आप ये मान लीजिए कि अगर आप 3 महीने इस प्रोसेस को कर लेते हैं, शरीर अंदर से शुद्ध होना चालू हो जाएगा, साफ होना चालू हो जाएगा। कहा जाता है आंत्र शुद्धो शरीर शुद्धि, अगर आंतें साफ कर दो तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर शुद्धो मन शुद्धि, शरीर जब शुद्ध होता है, साफ होता है, तो मन अपने आप साफ होना, शुद्ध रहना चालू हो जाता है, और शरीर की शुद्धियां रोगों को तो निकालने का बहुत आसानी से काम कर देती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है जिसमें आपके शरीर में अंदर की गंदगी परेशान कर रही है, तो आपको सबसे पहले उस अंदर की गंदगी को बाहर निकालने की व्यवस्था करवानी होगी, और यहाँ पानी हर तरफ से पानी आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, बालों के लिए बहुत इफेक्टिव प्रोसेस होता है ज़्यादा मात्रा में पानी, ज़्यादा मात्रा में ताजे फल, ताजी सब्जियों का सलाद, या फिर ताजी सब्जियों और ताजे फलों का जूस। अगर बाल के झड़ने की समस्या के साथ में किसी का वजन भी ज़्यादा है तो ज़्यादा वजन के साथ में फलों का जूस लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप सब्जियों का जूस ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आती है बारी कि आपको अपने पाचन तंत्र को अगर दुरुस्त रखना है तो आपको बाहर का जंक खाना बंद कर देना पड़ेगा। समोसे, कचौड़ियाँ, जो पैक आ रहा है पैकेट्स में, वो सब जो है ना वो पेट को खराब करेगा। पेट खराब रहेगा, खून खराब हो जाएगा। अब खराब खून चाहे वो बाल की जड़ पे जाएगा तो बाल को खराब करेगा, जैसे खराब पानी आप पेड़ में डाल दो पेड़ सूख जाता है, तो ऐसे ही खराब खून अगर बाल की जड़ पे जाएगा, बाल की जड़ धीरे धीरे करके सूखना चालू हो जाएगी। फिर आप ऐसे करके हाथ फेरेंगे और पता लगा 30 बाल आपके हाथ में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हाथ ऐसे करके घुमाते हैं साहब, तो बाल हर बार 10-20-50 बाल हाथ में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने में ही सारे बाल निकल जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति किसी की है तो निश्चित तौर पर पानी का उपयोग ज़्यादा, फल सलाद, ताजे फल ताजी सब्जियों का सलाद का उपयोग ज़्यादा, साथ में आप अच्छी मात्रा में पोषण पहुँचे शरीर में इसके लिए बढ़िया सवेरे एक बार नाश्ता कर लिया, नाश्ते में आपने ताजे फल या ताजी सब्जियों का सलाद पेट भर के खा लिया, उसके बाद आप लगभग 11-11:30 बजे पर खाने के 40 से 50 मिनट पहले फिर से सब्जियों का सलाद खा लेंगे या फल खा लेंगे, उसके बाद खाने में बहुत मोटे आटे की रोटी और सब्जी की मात्रा बहुत सारी,
चिकनाई, मसाले और ज़्यादा नमक का उपयोग नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब हमने पानी भी पिया, अच्छा पोषण भी लिया, अब बारी आती है कि अच्छा पोषण पूरे शरीर में पहुँचे इसके लिए बाल की जड़ तक कैसे पहुँचे अच्छा खाना, तो वो जो है वो खून के साथ ही पहुँचेगा। खून के संचार में वृद्धि कराने का काम हमें करना पड़ेगा और खून के संचार में वृद्धि कराने का काम सबसे बढ़िया होता है, आप कैसे भी करके अगर प्राणायाम का अभ्यास सवेरे और शाम को 20-20 मिनट कर लेते हैं, 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन और 20 मिनट दीर्घ श्वसन। मेरे YouTube चैनल, इसी वाले YouTube चैनल पर डॉक्टर रमाकांत शर्मा लेट्स मेक एंड मेंटेन अवर सेल्फ हेल्दी पर प्राणायाम का अलग अलग टॉपिक है, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कैसे करना है, तरीका क्या है, कैसे बैठ के करना है, सारा समझाया गया है और दीर्घ श्वसन भी आपको वहां पूरा मिल जाएगा। आप वो पूरा देख करके अगर पूरा अभ्यास प्राणायाम का करेंगे तो निश्चित ही आपको बालों के झड़ने की समस्या में बहुत बढ़िया आराम होना चालू हो जाएगा। तो हो जाती है सवेरे सवेरे से लेकर के शाम तक के आहार का प्रक्रम और दूसरे नंबर पर अच्छा आहार लेकर के आपने पहले ज्यादा पानी पी के आंतों को साफ करवा दिया था, अब आपने अच्छा आहार लेकर के आपने पोषण अच्छा करवाया है, अब वो जो रस अच्छा बना है वो उस रस को रक्त के साथ मिला करके पूरे शरीर में घुमाने के लिए आपने प्राणायाम कर लिया है, तो अंदर की तो सारी व्यवस्था आपने सुधार दी। अब बारी आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, स्कैल्प पर खरोट आ रहे हैं, चमड़ी स्कैल्प की बड़ी बड़ी खरोट के रूप में निकल के बाहर आ रही है, ऐसे कंडीशन में आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और एक्सटर्नल हाइजीन जो है, भाई इंटरनल हाइजीन तो हमने मेंटेन कर लिया, अब एक्सटर्नल हाइजीन की बारी आती है, एक्सटर्नल हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कैसे भी करके आप अपने बालों को धोने का तरीका जो है ना वो बदलें। हम बाल धोते कैसे हैं? हम तो ऐसे ही पानी डाला, साबुन लगाया और उसके बाद फिर पानी डाल के बाल धो लिए। बहुत सारे लोग शैम्पू का यूज करते हैं, साबुन बालों पर नहीं लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी डाला, शैम्पू लगाया, बालों को आराम से ऐसे हिलाया डुलाया और फिर पानी डाल के फिर से साफ कर दिया। जबकि कैसे भी करके अगर आपको बालों के झड़ने को रोकना है, एक्सटर्नल आपको कोई दिक्कत आ रही है, डैंड्रफ है या खरोट आ रहा है, स्कैल्पाइटिस हो रही है, ऐसे समय में आपका बालों का धोने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो प्रोसेस जो है उसमें कैसे धोएंगे बाल, पूरा बाल अच्छे तरीके से एक एक बाल की पूरी धूल मिट्टी चिकनाई हटाने के लिए आपने पहले पानी अच्छे तरीके से डाला और अच्छे तरीके से हल्के हाथ से बालों को पीछे से लेकर के बालों की जो भी डेंसिटी है आपकी उससे अच्छे से बालों को पूरा धूल मिट्टी चिकनाई सारी निकाल दी। इस तरीके से आपने ऐसे ऐसे करके पूरा बाल को साफ कर लिया, पानी डाला, पानी डाल के आपने ये मूवमेंट किया, बाल पूरे साफ हो गए। अब इसके बाद बारी आती है कि आप बालों को किस तरीके से आपको शैम्पू करना है। जब पूरा चिकनाई धूल मिट्टी हट जाए उसके बाद बालों पर शैम्पू का यूज करें, साबुन का यूज कोशिश कीजिए कि ना किया जाए। शैम्पू भी बहुत ज़्यादा ओवर केमिकल वाले शैम्पू जो हैं वो थोड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि बजाय साबुन के शैम्पू चलेगा लेकिन शैम्पू में केमिकल इतना ज़्यादा डाल रखा है कि वो सारे के सारे बाल की जो ऊपर की लेयर होती है जिसको कैरेटिन लेयर बोलते हैं, हेयर की जो कैरेटिनाइजेशन होता है हेयर पर, उस लेयर को धीरे धीरे करके चोट पहुंचाना चालू कर देते हैं। जैसे हमारी स्किन पर यहाँ पर हम ऐसे करके खरोंच मार दें, ऐसे ही बाल पर वो एक्स्ट्रा केमिकल जो है ना वो खरोंच मार करके बाल को धीरे धीरे करके बाहर से जो उसकी बाल की मजबूती है वो घायल हो जाती है, चोटिल हो जाता है बाल और फिर धीरे धीरे करके क्रम चालू होता है बालों के सूखने का, बिल्कुल बाल रूखे रहना चालू हो जाते हैं। बालों में अगर तेल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तेल बिल्कुल लगाते ही नहीं, मैं बालों में कभी तेल नहीं लगाता, लेकिन बाल रूखे नहीं लगेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा बाल फैले हुए हैं, रूखे हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि बाल में अंदर से अगर पोषण आता रहेगा। भाई आपको पेड़ को
बाहर से धोने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है अगर आपके पेड़ पर जड़ से अच्छा पोषण मिल रहा है। लेकिन पेड़ अगर मान लो कहीं बस स्टैंड पर लगा हुआ है तो जड़ पे तो अच्छा पोषण मिल रहा है उसको, लेकिन जो पॉल्यूशन पेड़ के पत्तों पर टहनियों पर लगता है उस पॉल्यूशन को भी अगर हम धोते रहें तो बाल हमारे क्या है कि अंदर से पोषण तो पहुंच ही रहा है लेकिन बाहर का जो केमिकलाइज्ड पॉल्यूशन है इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए बालों का एक्सटर्नल क्लीनिंग भी बालों के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो फिर आपने बालों को अच्छे तरीके से पानी से साफ कर लिया, उसके बाद कोई भी शैम्पू जो भी आप यूज में लेते हैं, आजकल मामाज अर्थ के शैम्पू जो है वो बहुत अच्छे हैं, या फिर आप चाहें तो आंवला रीठा सिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, ये बेस्ट शैम्पू हुआ करता था, लोग इसी का उपयोग करते। पहले तो आंवला रीठा सिकाकाई भी छोड़ देते थे लोग, पहले तो केवल मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोल करके बालों पर लगा के और अच्छे से साफ कर लेते थे। हालांकि उस समय इतना ज्यादा ऑयल बेस्ड पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था, अभी भी अगर मुल्तानी मिट्टी से आप बाल को एक बार साफ कर लेते हो तो बाल रूखा जरूर होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो बाल का सारा मॉइस्चर खींच लेगी मिट्टी। लेकिन अगर आपने अंदर से पानी अच्छी मात्रा में पिया हुआ है, अंदर से अगर आपने अच्छे पोषण को पहुंचा रखा है खोपड़ी पर, हमारी तो आजकल बाल तो छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं जिनको न्यूरोग्लायल सेल्स बोलते हैं, उन सेल्स में ही ग्लायोसिस होना चालू हो रही है, वहां पर खून भरा रह रहा है, वो नया खून पहुंच नहीं पा रहा, पुराना खून नीचे नहीं आ पा रहा, तो जो सेरेब्रल हाइपरटेंशन हो रहा है या सेरेब्रल कंजेशन हो रहा है उसके चक्कर में एक समस्या बहुत तगड़ी वाली आज बहुत ज्यादा तेज गति से फैल रही है। समस्या का नाम है डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी, एट्रोफिक चेंजेस इन ब्रेन पैरेन्काइमा। बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कत वाली समस्या है, और इससे अगर आपको बचना है तो जो पहले इंटरनल हाइजीन वाली बातें बोली गई थी कि आप अच्छा खाना खाओ, ज्यादा मात्रा में पानी पियो, ताजे फल का सलाद खाओ, ताजी सब्जियों का सलाद या फिर रस ले लो, अच्छी मात्रा में प्राणायाम करो, अगर आप ये पांच चीजें करते रहते हैं तो आपको ये डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी से आप बचे रह सकते हैं। एज रिलेटेड डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी, अब एज रिलेटेड 50 साल की उम्र में ही लिख दिया जाता है एज रिलेटेड डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी, बड़ी समस्या है। पहले के समय में 80 साल का भी जो बुजुर्ग हुए करते थे उनको भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। तो समस्या केवल इस वजह से है कि शरीर में अंदर का पोषण खराब कर रहे हैं हम, और उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं क्योंकि हम ही तो खा रहे हैं। अब हम क्या खाएं ये हमको ही डिसाइड करना चाहिए, हम तो जो मर्जी आए जैसे मर्जी आए खाते जा रहे हैं। शरीर में जो आमाशय है वो हमारे लिए स्टोर हाउस का काम करता है, अब उसको हमने स्टोर हाउस की जगह डस्टबिन बना दिया है कि जो भी आ रहा है उसको पटक दो, उसमें खराब है अच्छा है पड़ा हुआ है, अब वो डस्टबिन में चीजें पड़ी हुई हैं, हम देख भी नहीं रहे डस्टबिन को, जो डाल दिया वो पड़ा हुआ सड़ रहा है गल रहा है, अब बदबू आना चालू होती है और वही बदबू रोगों के रूप में हमारे पूरे शरीर में फैलना चालू हो जाती है। तो हमें अगर बचना है तो इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में शैम्पू करने के लिए, अब आपने कोई भी शैम्पू आपने बालों पर अच्छे तरीके से लगाया और उसको बालों पर फैलाने के बाद हर हिस्से पर, बाल के हर हिस्से को अच्छे तरीके से रगड़ करके फिंगर पैड से, ये फिंगर पैड से बालों को अच्छे तरीके से हल्के हाथ से इस तरीके से बालों की जड़ों को स्कैल्प पर हल्का सा स्ट्रोकिंग का मूवमेंट करना है विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा प्रेशर, आप ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से इस तरीके से कम 10 से 15 मिनट के लिए इस तरीके से आप, अगर क्योंकि सप्ताह में एक बार, जिनके बाल बड़े बड़े हैं उनको आपको 10 मिनट का टाइम तो बाल धोने में लगाना ही पड़ेगा, अगर आप एक बार में 3-4 मिनट का टाइम लगाते हैं फिर आपने बालों को पूरा अच्छे तरीके से इस तरीके से नीडिंग मसाजिंग करके शैम्पू के साथ, उसके बाद फिर आप बालों पे पानी डालो, पानी डालने के बाद जो एक्स्ट्रा गंदगी थी वो पूरी धुल करके बाहर आ जाएगी। अब आप एक बार दोबारा से थोड़ा सा शैम्पू लें, अब ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि गंदगी पूरी धुल गई है, चिकनाई पूरी धुल गई है, अब थोड़ा सा शैम्पू ही पर्याप्त रहेगा। थोड़ा सा शैम्पू लिया और फिर बालों पर अच्छे तरीके से उसको अप्लाई किया, अच्छे तरीके से अप्लाई करके अब आपने एक बार अच्छे तरीके से ऐसे अप्लाई करेंगे तो बालों पूरे बालों पर झाग आ जाएगा। अब आपको पूरे स्कैल्प पर उस शैम्पू को इस तरीके से स्प्रेड कर देना है, स्प्रेड करके फिर आपको अपने पूरे बालों पर इस तरीके से उस शैम्पू को अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है
पूरे बालों के एक एक हिस्से पर वो शैम्पू पहुंच जाए, जब उसके बाद फिर आप बालों को छोड़ दीजिए। अब आपने पूरे शरीर पे पानी डाला हुआ है, पूरे शरीर पे साबुन लगा लीजिए। पूरे शरीर पे साबुन लगा के हल्के हाथ से आप पूरे शरीर को जब तक मलेंगे, क्योंकि नहाने के प्रोसेस में बाथिंग टेक्निक में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से नहाना है कि आप त्वचा के रोगों से बिल्कुल बचे हुए रह सकें। त्वचा के रोग होंगे ही नहीं अगर आप बाथिंग टेक्निक का सही यूज करते रहेंगे। तो बालों पर दूसरी बार शैम्पू लगा के छोड़ा हुआ है, अब आप अच्छे तरीके से पूरे त्वचा पर साबुन लगा के अच्छे से त्वचा को मलते हुए साफ करने का काम कर रहे हैं। तब तक 3-4-5 मिनट और निकल जाएंगे, फिर आप बाल से पानी डालते हुए पूरे शरीर को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बालों को धोते समय शैम्पू लगा लिया, लेकिन कम पानी के साथ बालों को धो करके फ्री हो जाते हैं। अब वो शैम्पू बाल की जड़ पर पूरा फंसा हुआ है, वो पूरा निकल ही नहीं पाया, तो कुछ समय के बाद भी उनका बालों में से, उनके सिर में से शैम्पू की स्मेल आती रहती है। तो अगर ऐसा है तो आपको ये तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बालों को अच्छे तरीके से फिर आपको पानी डाल के अच्छे से साफ करना है। आप पानी की अगर कमी है तो आप पानी थोड़ा सा डालिए, अच्छे तरीके से बालों को फिर से रिंस कर लीजिए, फिर एक मग पानी डालिए, फिर से अच्छे तरीके से रिंस कर लीजिए। तो एक एक मग पानी डाल करके आप रिंस करेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार आपको पानी डालना पड़ेगा और पूरे बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और बाल से होते हुए वो पानी पूरे शरीर पर जाएगा तो पूरा शरीर भी साफ हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर बाल धोने के बाद की स्थिति जो है, बाल धो लिए, बाल साफ हो गए, शैम्पू पूरा निकाल दिया, झाग पूरा निकल गया, बाल बिल्कुल साफ हैं, आपकी खोपड़ी आप ऐसे करके देख सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई खरोंट नहीं हो, कहीं कोई डैंड्रफ ना हो, इसके बाद फिर आपको बालों को सुखाने का ध्यान जरूर रखना है। गीले बाल चोटी के रूप में, स्पेशली महिलाएं जो हैं वो गीले बालों को चोटी के रूप में बांध करके छोड़ देती हैं। अब गीले बाल अगर बांध दिए तो वो गीले ही बने रहेंगे, थोड़ा बहुत भी शैम्पू का पार्ट अगर उसमें बचा हुआ रहेगा तो फिर वो धीरे धीरे, जैसे गीला कपड़ा आप पूरा सुखाए बिना आप तय करके रख दो तो उसमें से बदबू आना चालू हो जाती है, और बरसात के समय में अगर आपने ऐसा कर दिया तो समझ लीजिए उसमें बहुत भयंकर बदबू आना चालू हो जाती है। ठीक ऐसा ही यहां करना है कि गीला बाल है, गीले बाल को आप तह करके ऐसे चोटी बना के मत छोड़ो, उसको पहले पूरा सुखाओ, पूरा अच्छे से सूख जाए। आजकल वैसे तो हेयर ड्रायर्स आ रहे हैं, अगर आपको हेयर ड्रायर का यूज नहीं करना है तो आप अच्छे तरीके से कहीं भी हवा वाली जगह में जा करके बालों को इस तरीके से पूरे पानी को निकाल करके थोड़ी देर के लिए बालों की जो रूट्स हैं उन पर हल्के हाथ से मसाजिंग करते हुए पूरे के पूरे पानी को निकाल सकते हो। जो एब्सॉर्बेंट टॉबल्स आते हैं, जो टर्कस टॉबल, छोटे छोटे जो टॉबल्स आते हैं, उन टॉबल से भी आप बालों को अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे पोंछ लेंगे तो आपके पूरे बाल बिल्कुल सूख जाएंगे। और बाल जब पूरे सूख जाएं उसके बाद फिर आप बालों को छोड़ सकते हैं। आपको अगर ऑयल का एप्लीकेशन करना है बालों पर, अगर आप तेल लगाते हैं तो आपको बाल धोने के पहले तेल लगाना चाहिए। बाल धोने के तुरंत बाद तेल लगाने की गलती नहीं करें। तेल लगा के जितना छोड़ा जाता है, तेल से जो पॉल्यूशन है और ज्यादा अट्रैक्ट होता है, धूल मिट्टी और चिपकना चालू हो जाती है और बाल धीरे धीरे करके ज्यादा खराब होना चालू हो जाते हैं। तो पहले के समय में क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं हुआ। पहले लोग कहते हैं, पहले तो लोग सरसों का ही तेल लगा के घूमते थे, तो पहले पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। धूल मिट्टी, गाड़ियां चल रही हैं, उसका जो ऑयल पॉल्यूशन है वो अब वो पूरा चिपक करके बाल को बिल्कुल खराब कर देता है। तो आप बाल धोने के पहले अच्छे तरीके से तेल से हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज्यादा ऐसा लग रहा है तो आप बाल को सवेरे धोना है तो रात को तेल लगा करके छोड़ दीजिए और सवेरे सवेरे आप बाल धो लीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता है। बाकी आप आधे पौन घंटे पहले भी तेल लगा के छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद बाल धो लेंगे, वो भी चलेगा। बालों में तेल कौन सा लगाना चाहिए, तो अब ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है क्योंकि तेल दुनिया भर के चल रहे हैं मार्केट में। तो आप सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप तो अगर बाल झड़ रहे हैं या डैंड्रफ की समस्या है या स्कैल्पाइटिस है, बाल पर से खोपड़ी पर से खरोंट निकल रहे हैं, तो नारियल का कच्चा तेल, उसमें आप कपूर मिला सकते हैं। तो नारियल के कच्चे तेल में कपूर मिला करके आप बालों पर लगाएंगे, बहुत इफेक्टिवली काम करेगा वो। अब आती हैं कुछ ऐसी चीजें
जो बालों के झड़ने को रोकने के साथ साथ बालों को घना बनाने में भी सहायक है। पहला, ये नुस्खे, लोग इन नुस्खों के चक्कर में ज्यादा रहते हैं कि कुछ ऐसा बता दो हम लगा लें, हम लीप लें और आराम हो जाए। तो अब वो लीपने की भी बारी है। आप मेथी का पेस्ट लगा सकते हैं, मेथी दाना पानी में भिगोया रात को, उसको सवेरे सवेरे वो भीग जाए तो मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया, और उस पेस्ट में आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके अच्छे तरीके से पेस्ट बना के आप पूरे बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनके बाल पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पतलापन आ रहा है बालों में, उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। मेथी का पेस्ट लगा करके आधे घंटे रखना है, उसके बाद बालों को धो लेना है। दूसरा है नीम के पत्तों की या फिर नीम के तने पर जो बार्क रहती है, नीम की छाल उसकी, या फिर नीम की टहनियां जो होती हैं, कच्ची टहनियां, उनको कूट करके उनका पाउडर बना के रखा हुआ है, उसकी चटनी अच्छे तरीके से पानी में मिला करके चटनी बना करके उस चटनी को भी बालों पर लगा करके आप अपने डैंड्रफ को बिल्कुल हटा सकते हैं। नीम की चटनी के साथ में अगर सिर में दर्द, सिर में भारीपन रहता है और साथ में डैंड्रफ है, तो नीम की चटनी के साथ आप मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी को मिला करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, और आधे घंटे के बाद फिर धीरे से हल्के हाथ से मलते हुए पूरे बालों को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा जो ग्वारपाठे का गूदा होता है, उससे आप पूरे के पूरे स्कैल्प पर अच्छे तरीके से मालिश करते हुए पूरे स्कैल्प पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप बाल आधे घंटे के बाद धोएंगे, वो भी आपके बालों की ड्राइनेस को खत्म, रूखापन खत्म करेगा, साथ में जो आपको डैंड्रफ हो रहा है उसको भी खत्म करने का काम करेगा। अगर आपको इससे ज्यादा नहीं, हम इसके अलावा भी कुछ करना चाहेंगे तो हरसिंगार के फूल जो होते हैं, हरसिंगार के फूल बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। अगर आप हरसिंगार के फूलों को अच्छे तरीके से मिक्सी में ग्राइंड करके, पानी डाल के ग्राइंड करके उसकी चटनी आप बालों पर लगाते हैं, तो ये आपके लिए डैंड्रफ को ख़त्म करना, स्कैल्पाइटिस को ख़त्म करना और बालों के झड़ने को रोकने के लिए काफ़ी इफेक्टिव तरीका माना जाता है, बहुत अच्छा रहता है। अब आती है बारी गुड़हल। गुड़हल जो होती है, गुड़हल के लाल लाल जो फूल आते हैं गुड़हल में, उन लाल फूलों को अच्छे तरीके से मैश करके, अच्छे से उनकी चटनी बना करके, अगर उस चटनी का लेप बालों पर किया जाए तो बालों का झड़ना, बालों का दो मुहा होना और बालों का असमयिक सफ़ेद हो जाना, इसमें बहुत इफ़ेक्टिवली गुड़हल के फूल की चटनी जो है वो काम करती है। इसके अलावा अगर आप और कुछ करना चाहें तो आप सफ़ेद प्याज का रस, उसमें आंवले का रस, थोड़ी सी हल्दी और एलोवेरा का जेल, इसको मिला करके सफ़ेद प्याज का रस, आंवले का रस, थोड़ी सी हल्दी और एलोवेरा का गूदा जो होता है, अगर नेचुरल फॉर्म में आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसका पेस्ट बना लीजिए मिक्सी में, और उस पेस्ट को अगर आप बालों पर लगाते हैं और बालों पर लगा करके आधे घंटे के लिए रखना है, और उसके बाद हल्के हाथ से बालों को मलते हुए धीरे धीरे करके उसको साफ करना है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नुस्खों के जैसा काम करेंगी। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो बालों के झड़ने को रोकने का काम करेंगी। नीम में एक चीज रह जाती है, नीम की पत्ती, टहनी, तना तो बता दिया था, नीम की निबौली जो होती है जिसमें से नीम का तेल निकलता है, उस निबौली को अगर आप, अगर नीम की निबौलियों का सीजन चल रहा है तो आप उसका गूदा जो होता है, उस अगर आप 40 से 50 निबौली निकालेंगे, उसका गूदा निकाल के अगर आप उस गूदे को अप्लाई कर देंगे ना, तो आपके जहां भी फोड़ा फुंसी हो रहा हो, जहां भी आपके कहीं भी कोई ओपन कट्स के साथ में उंड आया हुआ है, घाव हुआ है, आप उस जगह पर उसको लगाइए, देखिए उसका चमत्कारिक लाभ। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, आपको स्कैल्पाइटिस हो रही है जिसमें खरोंट निकलते हैं, बड़े बड़े खरोंट निकलते हैं स्कैल्प से, खोपड़ी से, ऐसे समय में नीम की निबौली के गूदे को अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो आपके लिए नुस्खों का काम करेंगी। अब बारी आती है कि आपको ऐसा और क्या करना है, की पॉइंट्स फॉर हेल्दी हेयर्स। की पॉइंट्स फॉर हेल्दी हेयर्स में आपका आएगा
पानी का उपयोग 5 लीटर ही करना पड़ेगा। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर पानी नहीं पी रहे हैं कोई मतलब नहीं है। आपको ज्यादा मात्रा में ताजे खाने का उपयोग करना पड़ेगा। अगर बाल को सुंदर बना के रखना है तो ताजा भोजन करें, ताजा खाएं, तंदुरुस्त रहें। वाला एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आपको ताजा खाएं, तंदुरुस्त रहें क्यों इफेक्टिव है, क्यों काम करती हैं ये चीजें, तो आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने खान पान को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, वो भी बालों में आपके लिए सहायक रहेगा। ज्यादा मात्रा में आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपने बढ़ा दिया तो बाल के साथ साथ चेहरे का सौंदर्य भी बढ़ेगा। लोग चेहरे के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। मैंने कल ही चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं कि चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। साथ में अब आती है बारी कैसे भी करके एक्सटर्नल हाइजीन का मेंटेनेंस। एक्सटर्नल हाइजीन के मेंटेनेंस के लिए शैम्पू अच्छे तरीके से किया जाए, साथ में जो नुस्खे आपको बताए हैं इनका उपयोग करके आप अपने डैंड्रफ को और झड़ते हुए बालों को सामान्य कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जो बालों के लिए बताई गई चीजें हैं इनको आप अच्छे से उपयोग में लेंगे तो निश्चित ही, अगर यूनिवर्सल एलोपेशिया ही नहीं हुआ है, यूनिवर्सल एलोपेशिया का मतलब होता है बिल्कुल ही बाल की जड़ खत्म हो गई है और त्वचा बिल्कुल चिकनी, हथेली के जैसे चिकनी हो गई है, तो हथेली पर तो बाल उगते नहीं है, फिर तो बड़ी समस्या आ जाती है। ऐसी कंडीशन अगर किसी की आ गई है तो फिर उसको एक स्पेसिफिक हेयर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर या फिर ऐसी कोई समस्या है तो होने को तो ऐसा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये चीज जो बोली जाती है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं बोल दी गई है, ये निश्चित ही अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो किसी भी समस्या में, कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, तो जब जड़मति जो होती है वो सुजान हो सकती है, ज्ञानवान बन सकता है, किससे, केवल अभ्यास करने से। तो आपको सही दिशा में अभ्यास करने की आवश्यकता है। आपकी बालों की कैसी भी समस्या होगी वो सही तो जरूर हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको केवल ये वीडियो देखने से पूरा फायदा ना हो, उसके लिए आपको हो सकता है पर्सनली कॉन्टैक्ट करना पड़े। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपने नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप यहां आकर के हमसे मिल सकते हैं, जो भी आपके लिए गाइडलाइंस होंगी वो आपको बताई जा सकती हैं। तो आप तब तक के लिए ये जो चीजें बताई हैं इनको अच्छे तरीके से फॉलो करिए और अपने बालों का पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार।